तो ध्यान देंगे विद्यार्थी लोग, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कि आपको बताया गया था कि यह पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन भागों में बांटे हुए थे। कौन कौन सा भाग था? तो सबसे पहला मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद यानी जल में घुलने के बाद एक यूनिट प्रदान करे, सिंगल यूनिट प्रदान की, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? तो उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे ऑलिगोसेक्राइड। तो ऑलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं? तो जो पानी में घुलने के बाद 2 से लेकर 10 यूनिट प्रदान करे। कितना यूनिट प्रदान करे? 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रदान करता है, उसको हम लोग ऑलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। तो ऑलिगोसेक्राइड में बहुत सारा कंपाउंड आपको होता आता है, जैसे डाइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड। तो उसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट जो है वो डाइसेक्राइड है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो डाइसेक्राइड किसे कहते हैं? तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलने के बाद 2 मोनोसेक्राइड यूनिट या 2 सिंपल यूनिट का निर्माण करता है, उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। तो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल यहाँ पर 3 दिया गया, जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक सुक्रोज है, दूसरा माल्टोज और तीसरा लैक्टोज है। तो सुक्रोज को जब जल में हम लोग मिलाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी पानी के द्वारा टूटता है और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। तो 1 मोल सुक्रोज जो है कि 2 मोल मोनोसेक्राइड यूनिट का एग्जाम देता है, एग्जाम्पल या हाइड्रोलाइसिस के बाद प्रदान करता है, इसीलिए इसे डाइसेक्राइड्स कहते हैं। डायमोन क्या होता है? डायमोन होता है 2। तो याद रखेंगे डायमोन क्या होता है? 2। उसी तरह यहाँ पर माल्टोज है, तो 1 मोल जो है कि माल्टोज को यदि हम लोग पानी में मिलाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के बाद यह 2 मोल मोनोसेक्राइड उत्पन्न करता है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज। तो दोनों ग्लूकोज ही मॉलिक्यूल देता है। एक तीसरा हम लोग आते हैं आपको लैक्टोज। तो लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है या पानी में इसको मिलाया जाता है तो यह अभी 2 मोल मोनोसेक्राइड यूनिट का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। तो इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोलाइसिस के बाद कौन सा प्रोडक्ट जो कि निर्माण होता है। अब आते हैं इसका हम लोग स्ट्रक्चर पर। तो चाहे सुक्रोज हो या माल्टोज हो या लैक्टोज हो, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C12H22 और O11। इसका भी C12H22O11, यहाँ भी C12H22 और O11। बस अंतर क्या होता है? तो इनके स्ट्रक्चर में अंतर होता है, इनके बनावट में अंतर होता है, लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक समान होता है। अब आते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड बना, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यहाँ भी फ्रुक्टोज का C6H12O6। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही समान होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में केवल इनमें अंतर पाया जाता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो बैलेंस है कि नहीं यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन 12 है तो 6 और 6 12, हाइड्रोजन 22 और 2 24, तो 12 12 24, ऑक्सीजन 11 12, तो 6 6 यहाँ पर 12। उसी तरह आते हैं यहाँ पर ग्लूकोज बना, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और यह भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो इसका भी C6H12O6 होता है। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको C6H12O6 होता है और इसका भी C6H12O6 होता है। तो हम देख रहे हैं कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान है, स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। तो हमको ध्यान में रखना होगा कि सुक्रोज टूटता है तो कौन कौन सा यूनिट बनाता है, और माल्टोज टूटता है तो कौन कौन सा यूनिट बनाता है, लैक्टोज टूटता है तो कौन कौन सा यूनिट बनाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, एक जगह तीनों को लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं कि आप लोग को याद करने में काफी आसानी होगा। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुक्रोज को जब हम लोग जल में मिलाते हैं या पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है या कौन कौन सा यूनिट प्राप्त होता है। तो इसको सुक्रोज को जब पानी में मिलाएंगे या जल में मिलाएंगे तो कौन कौन सा यूनिट प्राप्त होगा। तो पहला ऑप्शन में है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और तीसरा
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यह आपको याद रहेगा तभी बन पाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सबका एक समान है, बस नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि सुक्रोज को पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो अभी आपको पढ़ाया गया है कि सुक्रोज को पानी में मिलाते हैं तो दो मोनोसेक्राइड यूनिट प्रदान करता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, एक ग्लूकोज बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा। तो यह आपको जो है कि इस प्रकार से, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको कराया गया, इस आधार पर आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे या साइड बुक में उनसे बनाए और फिर जहां पर दिक्कत हो आप हमसे पूछें। एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि सुक्रोज एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सा शुगर है, सुक्रोज जो है कि एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके पास पढ़ेंगे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कौन कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, आगे हम लोग को पढ़ना है। एक बात हम लोग और यहाँ पर जाने कि घरेलू उपयोग में जो हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं घर में, वह चीनी का जो उपयोग करते हैं घर में, शक्कर जो हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुबह सुक्रोज ही है। उसका फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। तो वह जो है कि अगर कोई आपसे पूछे कि घरेलू चीनी का जो हम लोग उपयोग करते हैं वह कौन सा कंपाउंड है, तो आपको बताना कि वह कौन सा कंपाउंड है, सुक्रोज है। तो अभी हम लोग क्या पढ़नी है, मोनोसेक्राइड पढ़नी है, उसके बाद क्या पढ़नी है हम लोग, ओलिगोसेक्राइड पढ़नी है, और ओलिगोसेक्राइड के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड। तो आइए हेडिंग देंगे पॉलीसेक्राइड। एक बात और, पॉलीसेक्राइड पढ़ने से पहले बता देते हैं कि आपको ओलिगोसेक्राइड कई प्रकार का होता है। पिछला वीडियो में बताए थे कि ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, ऑक्टासेक्राइड बहुत सारा होता है, 10 तक होता है। तो ओलिगोसेक्राइड में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डाइसेक्राइड, उसी को पूछा जाता है, इसीलिए उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो अब मान लीजिए जैसे कोई पूछे कि टेट्रासेक्राइड या पेंटासेक्राइड कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको बताना है कि यह एक प्रकार का ओलिगोसेक्राइड है, क्योंकि टेट्रासेक्राइड का एक जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट है वह टूटेगा तो चार सिंपल यूनिट प्रदान करेगा, और पेंटा जो सेक्राइड होगा उसका एक मोल टूटेगा तो कैमोल मोनोसेक्राइड बनेगा, तो 5 मोल मोनोसेक्राइड का निर्माण होगा। तो उसको हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ने कि पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं या कौन से प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग देंगे पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड, यानी कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है कि कितना प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का बताया गया है। पहला कार्बोहाइड्रेट बताया गया है मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स पहला बताया गया मोनोसेक्राइड। दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो गया आपको ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स सेक्राइड्स। और तीसरा जो है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो तीसरा कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मोनोसेक्राइड पढ़ चुके हैं उसके एग्जाम्पल देख लिए, ओलिगोसेक्राइड पढ़ चुके हैं उसके एग्जाम्पल देख लिए, अब आते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ने। तो पॉलीसेक्राइड किसे कहेंगे, तो यह तो आप लोग जानते हैं, इस चीज को हम मिटा देते हैं और आते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ने। तो पॉलीसेक्राइड किसे कहेंगे, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल में मिलाने के बाद 10 से अधिक यूनिट प्रदान, मोनोसेक्राइड यूनिट प्रदान करता है, उसे पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है कि उसको, यदि पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जल में मिलाएंगे तो 10 से अधिक मोनोसेक्राइड यूनिट देगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि अब समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं छोटा सा एग्जाम्पल पर पॉलीसेक्राइड एस सेकेराइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स जो है कि इनको यदि हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो यह मोर देन टेन मोनोसेक्राइड्स यूनिट देगा, मोनोसेके
राइट्स यूनिट प्रदान करेगा। तो पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं, यहाँ से आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल में मिलाने के बाद 10 से अधिक मोनोसेक्राइड यूनिट प्रदान होता है उसे पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। इंग्लिश वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच गिव मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों विद्यार्थी लिख लेंगे, यदि भूल गए तो यहाँ पर याद रखेंगे पॉली का अर्थ होता है मेनी, बहुत सारा, और सैकराइड्स यूनिट का मतलब होता है आपको मोनोसैकराइड्स, सैकराइड्स यूनिट का मतलब आपको होगा शुगर यानी कि ग्लूकोज। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसैकराइड यूनिट प्रदान करते हैं, बहुत सारे में कितना 10 से अधिक मोनोसैकराइड यूनिट प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो डिफिनेशन बिल्कुल आसान है, सभी विद्यार्थी हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों लिख लेंगे कि हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल में मिलाने के बाद वह 10 से अधिक मोनोसेक्राइड यूनिट प्रदान करे उसे हम लोग पॉलीसेक्राइड यूनिट कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच गिव मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड का ये कि आपको सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल दे दिए हैं, अब एक एग्जांपल और यहाँ पर पॉलीसेक्राइड का हम लोग दे रहे हैं आपको, मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको सेकंड। तो सेकंड में आपको पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल कौन सा हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड यूनिट है जिसे पानी मिलाने पर बहुत सारा मोनोसेक्राइड यूनिट का प्रदान निर्माण होता है या बहुत सारा मोनोसेक्राइड यूनिट प्रदान करता है। तो यह जो स्टार्च है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि प्लांट में जो है कि रिजर्व फूड के रूप में कौन सा पदार्थ होता है, तो प्लांट का रिजर्व फूड कौन सा होता है, स्टार्च होता है। इसे याद रखेंगे, यह क्या प्लांट में किसमें पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है और प्लांट का रिजर्व फूड है, प्लांट का रिजर्व फूड है। प्लांट का कैसा फूड है, यह रिजर्व फूड है। प्लांट जो बहुत सारा यदि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना लेता है तो उसे स्टार्च के रूप में वह रिजर्व रखता है, सुरक्षित रखता है, जिस समय वह भोजन नहीं बना पाता है इसका वह उपयोग करता है। तो यह बात याद रखेंगे कि स्टार्च किसमें प्राप्त होता है, तो प्लांट से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से आपको पोटैटो जो है, आलू जो है, आलू में बहुत सारा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, या फिर कोन जो हम लोग कहते हैं उसमें भी बहुत सारा स्टार्च पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग जो है कि इसके बाद देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल इसका कि स्टार्च के बाद ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन तो ग्लाइकोजेन भी एक प्रकार का रिजर्व फूड है। तो यह कहाँ रिजर्व होता है, तो एनिमल में पाया जाता है। एनिमल में जो रिजर्व फूड होता है उसको क्या कहते हैं, एनिमल में जो रिजर्व फूड होता है उसे हम लोग ग्लाइकोजेन का नाम रखा गया है। एनिमल का रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड एनिमल में पाया जाने वाला रिजर्व फूड है ग्लाइकोजेन। तो मेनली एनिमल में कहाँ पाया जाता है, तो मसल्स में पाया जाता है। मसल्स यह कहाँ पाया जाता है, यह मसल में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो मसल्स में पाया जाता है। यह एनिमल के आपको मसल्स में पाया जाता है, उसके अलावा लीवर में भी पाया जाता है यह। तो ग्लाइकोजेन एनिमल के मसल में पाया जाने वाला रिजर्व फूड है और लीवर में भी यह पाया जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आते हैं हम लोग चौथा जो है कि लिखते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, तो सेलुलोज, सेलुलोज तो सेलुलोज भी एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड यूनिट है। यह भी जब जल में घुलता है तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट का निर्माण करता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है कि मेनली अभी प्लांट में ही पाया जाता है। प्लांट में तो प्लांट का जो सेल वाल बना होता है, मुख्य कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, प्लांट में सेल वाल या कोशिका भित्ति जिसको कहा जाता है वह सेलुलोज का बना होता है। या फिर अच्छे से आप लोग समझिए तो प्लांट में जितने भी प्लांट में रेशा पाए जाते हैं, रेशेदार चीज जो होता है वह किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। जैसे आपका प्लांट का जो बाहरी कवर है, जैसे जिसको हम लोग प्लांट का आउटर मोस्ट कवरेट जो देखते हैं, जिसको हम लोग ट्री का छल्ला भी कहा जाता है, या फिर आप लोग देखे होंगे कि यह जो कि कपास जिससे निर्माण होता है उसमें बहुत सारा रेशा प्राप्त होता है वह सेलुलोज का बना होता है। या फिर आपको और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं हम लोग, भिंडी जो हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें तोड़ने के बाद जो रेशा प्राप्त होता है, या बोड़ी जो हम लोग तोड़ते हैं उसको भी तोड़ने के बाद जो रेशा प्राप्त होता है वह सब किस चीज का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज से जो है कि यह प्लांट का बाहरी भाग होता है, इससे मुख्य रूप से रेशा का निर्माण होता है।
और इस रेशा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कागज बनाने में करते हैं या फिर अपना वस्त्र के निर्माण में, यानी कॉटन कपड़ा वपड़ा बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो मुख्य रूप से जो पॉलीसेक्राइड है वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, जिसमें दो कहाँ प्लांट में पाया जाता है और एक कहाँ पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि इसमें याद करने वाला बात क्या है, तो प्लांट में जो है कि आपको स्टार्च और सेलुलोज पाया जाता है और एनिमल में जो है कि ग्लाइकोजन पाया जाता है रिजर्व फूड के रूप में, और कहाँ पर मसल्स और लीवर में, अभी आपको बताया कहाँ पर पाया जाता है मसल्स और लीवर में, तो याद रखेंगे यह ग्लाइकोजन मसल्स और लीवर में पाया जाता है, इसी की सहायता से मसल में मूवमेंट होता है। तो यह रिजर्व फूड कौन किसका है और कहाँ पाया जाता है, यह आपसे एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे तरह से याद रखेंगे। और अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन देखे कि यह पॉलीहाइड्रोक्सीऑल्डिहाइड या कीटोन होता है और यह हाइड्रोलाइसिस के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होगा तीन प्रकार का, तो मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड को एक्सप्लेन किए, उसके बाद ऑलिगोसेक्राइड को एक्सप्लेन किए, और ऑलिगोसेक्राइड को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग लास्ट में पॉलीसेक्राइड को भी एक्सप्लेन किए। तो इसमें आगे और सारा क्वेश्चन है और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज कैसे बनता है, कैसे पता चला कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और जो है कि पांच हाइड्रोक्सी ग्रुप है, छह कार्बन है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि ग्लूकोज में जो है कि किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि ग्लूकोज में छह ही कार्बन होते हैं या फिर पांच हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। तो उसको अगले टॉपिक में हम लोग डील करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज टॉपिक में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड किया गया और ग्लूकोज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग को पढ़ेंगे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो अगला टॉपिक हम लोग का यही है ग्लूकोज के बारे में। तो यह क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन एक और होता है जो है कि टेस्ट के आधार पर शुगर और नॉन शुगर, एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे और वहीं पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग डील करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़े, ध्यान दे और जहां भी कुछ दिक्कत हो उसको फिर हमसे पूछ लेंगे।